हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका भाई शारिक और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। तो आज की एक बड़ी खबर निकल के यूं सामने आ रही है कि केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पे, आइए जानते हैं पूरी खबर। उसके लिए लोगों के साथ में बैठ करके उनकी तकलीफें कम करने के लिए प्रयास करें। जो वादे राज्य की सरकार ने और सरकार के विधायकों ने अपने चुनाव के समय जनता से किए थे, वो कर्ज माफी से लेकर के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से लेकर के या बिजली के बिल न बढ़ाने के को लेकर के, इसके अतिरिक्त भी जितने वादे किए हैं, एक बार वो अंतरावलोकन करें, अपने आत्मा के साथ में स्वयं प्रश्न करें और फिर उनमें से कितने काम बाकी रह गए उन सब कामों के लिए। और इसके अतिरिक्त भी जो डेवलपमेंट एजेंडा पे सरकार कहाँ कहाँ क्या जो है पीछे रह गई है, उन सब पे विचार करते हुए अपने लोगों की सुख सुविधा के लिए काम करें। मुझे लगता है कि यह समय की आवश्यकता है। सर, जैसे कि लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम मार देती है, ठीक है, और उनके षड्यंत्र को नाकाम कर दिया और जोधपुर राजस्थान से मैसेज गया है लोकतंत्र को बचाने। देखिए, मैं आपको एक आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ। आप ही के मोहल्ले में घर में पति और पत्नी लड़े, घर के अंदर तो स्वाभाविक है, सभी के थोड़ा बहुत होता ही होगा जो शादीशुदा हैं उनके, लेकिन वो इस कदर लड़े कि लड़ते लड़ते घर से बाहर आ जाएं। पति पत्नी को, पत्नी पति को निकम्मा, नामर्द और पता नहीं क्या क्या कहे, निकम्मा कहे, नाकारा कहे और क्या क्या कहे, पति पत्नी पर बेवफा होने के आरोप लगाए। पड़ोसी निश्चित रूप से जिसके मन में जितना कौतूहल होगा, कोई बालकनी में आकर के देखेगा, कोई छत पे आकर के देखेगा, कोई सड़क पे आकर के देखेगा, कोई शायद बीच बचाव करने की भी कोशिश कर सकता है। फिर कहीं परिवार के उनके सीनियर्स बैठे हैं, समझौता करा दें, दोनों घर के अंदर चले जाएं और फिर ये कहें कि हमने सब पड़ोसियों को मात दे दिया है, आप आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, एक दूसरे के लिए क्या क्या लांछन लगा रहे थे, और अब वापस कितना एक हुए हैं, क्या एक हुए हैं, ये तो समय भविष्य बताएगा। आप सब लोगों ने देखा है, बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है कि कौन क्या कितना एक हुआ है। लेकिन उसके बाद में ये कहें कि हमने भारतीय जनता पार्टी को मात दे दी है, अब ये तो जो है जादूगरी, इसके उत्तर दे सकते। सर, 32 दिन जनता का पैसा खराब हुआ है, फाइव स्टार होटल में रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं पैसे की बर्बादी हुई है? निश्चित, देखिए, मैं पैसे से भी ज़्यादा समय की बर्बादी हुई है, राजस्थान की प्रतिष्ठा की बर्बादी हुई है, राजस्थान के लोगों की अपेक्षाओं की बर्बादी हुई है, राजस्थान के लोगों ने उपेक्षा का दर्द सहा है, राजस्थान के लोगों ने कोरोना के काल में कष्ट सहा है। लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा, कुछ इटालियन खाना बनाना सीख गए, कई लोग जो कई फिल्में नहीं देख पाए थे वो सीख गए, कुछ MLA साहब डांस करना सीख गए, तो कुछ लोगों ने कुछ न कुछ कुछ स्वास्थ्य लाभ भी किया होगा, कई योगा करते हुए फोटो आते थे, तो किसी का फ़ायदा हुआ है तो किसी को नुकसान भी हुआ ही होगा। जनता इस बात को जवाब मांगी सर, किसान आना तो जनता कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, उसको लेकर किसी तरह का कोई नहीं कुछ। मैंने आपके पहले प्रश्न के उत्तर में भी ये कहा था कि सरकार में आने के लिए जितने वादे किए थे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के राजस्थान के प्रदेश के नेतृत्व ने, जितने विधायक का चुनाव लोग लड़े, उन सब ने अपनी अपनी तरफ से जितने वादे किए थे, एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपने TV चैनल्स को और सोशल मीडिया में उन सब के लोगों को के भाषणों को खंगाल लें, और ये प्रश्न मुझे पूछने के बजाय उन सब से पूछना चाहिए था कि आपने 1 से 10 तक की गिनती सिखाई थी, आपने कहा था किसान की संपूर्ण कर्ज माफ़ी कर देंगे। अगर सरकार में साहस है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितनी कर्ज माफ़ी कर दी थी
उसके बाद में कितने किसानों के कितने रुपए कर्ज माफ़ी किया है वो एक बार मीडिया के सामने सार्वजनिक करें, राजस्थान की जनता के सामने सार्वजनिक करें। किसान के साथ में धोखा किया गया था कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, अनुदान की राशि समाप्त हो गई है। पूरे राजस्थान में किसान आंदोलन पे है, जोधपुर के तो हर एक ब्लॉक पे किसान धरने दे करके बैठा है। मुझे लगता है कि ये सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। वैसे तो किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए ऐसा अप्रत्याशित है कि सरकार चुनी जाए। देश में दुनिया में शादी होती है, शादी के बाद में जो है डाइवर्स होना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। पति का पत्नी के साथ में मोह भंग हो जाए या पत्नी का पति के साथ में हो जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हनीमून पीरियड में जो है डाइवर्स हो जाए तो शायद जो है थोड़ा लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं। सरकार के 3 महीने के पीरियड में सरकार से मोह भंग हो गया, राजस्थान की जनता ने संपूर्ण रूप से नकार दिया। 25 की 25 सीटें सरकार खो चुकी है। सदन के पटल पर विश्वास मत शायद प्राप्त कर लिया है, निश्चित रूप से कैसे प्राप्त किया है मैं मानता हूँ कि बेशक उन्होंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन साथ में ये भी जानता हूँ कि राजस्थान की जनता का विश्वास यह सरकार खो चुकी है। राजस्थान की जनता दिन गिन गिन करके कब तक यह सरकार रहेगी इसका इंतजार कर रही है। तो खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा, देश विदेश और राजनीति की ऐसी बड़ी खबरों के साथ बने रहे हमारे न्यूज चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज पर। धन्यवाद।